Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. इस दूषित मानसिकता का कुछ नहीं किया जा सकता मेरठ, गाजियाबाद और शामली के बाद। अब एक बार फिर से मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके में तंदूरी रोटी बनाने के दौरान उस पर थूकने का मामला सामने आया है। इस आशय का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में उसकी करतूत साफ नजर आ रही है, लेकिन मीडिया के सामने वह बराबर कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। गिरफ्तार युवक का नाम नौशाद है और वह कैथवाड़ी का रहने वाला है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट Byte.tv। हाल फिलहाल के दिनों में सबसे पहला ऐसा मामला मेरठ के अरोमा गार्डन में देखने में आया था। यहां तंदूरी रोटी बना रहा युवक बराबर उन पर थूक रहा था। इसके बाद गाजियाबाद और फिर शामली में यह करतूत देखने में आई। निश्चित रूप से यह करतूत ऐसी है जो समाज में आपसी दूरियां बढ़ाने के लिए काफी है। बीते दिवस मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके के नगला ताशी में एक सगाई समारोह में नौशाद रोटियां बनाते हुए उन पर थूक लगा रहा था। देखिए वह वीडियो। नहीं यार, मैंने तो इसे देखा यार, फिर जब भी तो तुझे दिखाया सारा भूत उतर गया दिमाग से। अबे तो सब में एक तो छोड़ दे। Video has done. हमने आज तक औरों की देखी थी वीडियो, आज तो बनानी पड़ रही है भाई। तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा सीधा। नहीं ये क्या है, ये तो उन्होंने हर जगह, इसका मतलब ये तो वर्ल्ड में जहां भी है नाम बना रहे हैं तुक्के। इसे हल्का सा जूम इन और कर जरा, बिल्कुल इसके फेस के पास ले जा और कर थोड़ा है? थोड़ा और। तू इसमें देख, मैं इसमें देखूंगा। नहीं तू रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। गिरफ्तारी के बाद उससे सवाल किया गया कि ऐसा करने से आखिर दूषित मानसिकता वाले लोगों को मिलता क्या है और वह ऐसा क्यों करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में नौशाद बराबर यह कहता नजर आया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, रोटी बनाते हुए इतना झोंकना पड़ता ही है। देखिए वीडियो। क्या नाम है? मिलता क्या तुम्हें जैसे थूक लगाते हो, मिलता क्या? क्या था प्रकरण, क्या था वो पूरा मामला बताओ। मामला क्या था? सुनो वीडियो ही बना लो, वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना की तीसरी आहट की चेतावनी के बीच एक बार फिर से सतर्क होना ही जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। मास्क लगाएं वे हाथ को बराबर धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। देखते रहिए फर्स्ट Byte.tv। नमस्कार।